मनु कावल कैनबरा से मैं अंकुश शर्मा आपका स्वागत करता हूं फिर से। आप पीछे देख सकते हैं नेट्स रेडी है, टीम अभी तक आई नहीं है प्रैक्टिस के लिए, और हो सकता है टीम इंडिया आज का दिन आराम भी करे, प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि एक ही दिन का दोनों मैचों में गैप था। बाकी अगर हम वनडे सीरीज़ की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ हुई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीता, इंडियन फैंस मायूस हुए, बट जो कल का मैच हुआ, जो ज़बरदस्त मैच हुआ, जो बहुत ही क्लोज गया और आखिर में इंडिया जीता आराम से, तो उसमें कहीं उसने कहीं ना कहीं उत्साह भर दिया भारतीय फैंस में, जो हमें कल रात देखने को भी मिला जब हम लाइव आए। इंडियन फैंस जिस तरीके से उत्साह मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, जोश में थे, वो जोश हम मिस कर रहे थे, वो जोश हमने फिर से देखा। तो जैसा देखा हमने ओडीआई सीरीज़ में, बैटिंग इंडिया के अच्छा परफॉर्म करती रही, लास्ट मैच में भी हालांकि एक वक्त थोड़ा संकट में थी पारी, लेकिन जिस तरीके से जडेजा और पांड्या खेले और 300 प्लस का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को, बहुत बड़ी बात थी। और बाकी बॉलिंग जो अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वो भी आखिरकार अच्छा परफॉर्म कर गई कल के मैच में। तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज ज़रूर जीता है, पर आखिरी मैच जो इसी ग्राउंड में इंडिया जीत के आया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी मैं कहूँगा पहले T20 में, क्योंकि एक उसी पिच पर मैच होने वाला है। और जिस तरीके से T20 की बात की जाए और दोनों का बॉलिंग और बैटिंग अटैक कंपेयर किया जाए, तो बैटिंग में तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बराबर है, क्योंकि इंडिया रोहित शर्मा को मिस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास वार्नर नहीं है, और दोनों के पास अच्छे बैट्समैन है। इंडिया के पास विराट कोहली है, इंडिया के पास धवन है, अय्यर है, बट ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो उनके पास फिंच है, जो कि वनो दुनिया में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है T20 में, और उनके पास मैक्सवेल है। मैक्सवेल जिस तरीके की आजकल फॉर्म में चल रहे हैं, वो अकेले मैच जिता सकते हैं। तो बल्लेबाजी में तो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को बराबर ही है एक दूसरे के, बट अगर हम गेंदबाजी की बात की जाए तो वहाँ पे इंडिया का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास नटराजन है, जिनके पास बहुत ही जिनका ज़बरदस्त IPL रहा, अभी बुमराह है जो मैं तो कहूँगा बेस्ट T20 बॉलर है, चहल है वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर है इंडिया के लिए, और सबसे कामयाब IPL बॉलरों में से एक है। तो इंडिया के पास तीन बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, उसके बाद शमी है जो इंडिया खिला सकता है, दीपक चहर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं T20 में। बाकी अगर टॉस की बात की जाए, हो सकता है जो टीम टॉस जीते वो यहाँ पे चेस करना चाहे, क्योंकि पिच हालांकि हल्का सा स्लो हो सकती है, बट जैसे आपने कल देखा कि अंडर लाइट्स बॉल थोड़ी बैटर आ सकती है बल्ले पे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पहले गेंदबाजी करके स्पिनर्स का फ़ायदा उठा के जो भी टीम टॉस जीतती है दूसरी टीम को 170-180 पे रोक के चेस करना प्रेफर करे। बाकी उम्मीद है, हम तो यही उम्मीद करेंगे विराट कोहली टॉस जीते फिर से, इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, फैंस उत्साहित हो, और हम फिर आपके साथ लाइव आए और आपको ये सब दिखाए स्टेडियम से, और उम्मीद है इंडिया 1-0 कल ज़रूर करेगा। धन्यवाद।